दोस्तों, ये थॉमस ग्रे की पोयम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का पार्ट 3 है, जिसके दो पार्ट्स मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर लिंक आ रही है, इस पर क्लिक करके देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेंजा 21 से लेकर के इस पोयम के जितने भी स्टेंजाज बचे हैं उन सबको देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो स्टेंजा 21 से। दोस्तों, इस स्टेंजा को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको पिछले वाले स्टेंजा के बारे में बता देता हूँ कि स्टेंजा 20 में क्या कहा गया था। कि इवन गांव के लोग भी जब मरते हैं तो उनको भी ये रहता है कि मरने के बाद उनकी बोन्स को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट किया जाएगा, ताकि कल को कोई उनके आसपास से गुजरेगा, उनकी कब्रों के आसपास से, तो उनको देख करके कम से कम एक आह तो भरेगा। अब 21वें स्टेंजा में क्या बोलते हैं कि उनकी कब्रों पर उनके नाम और साल, साल मतलब डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, ये जिसने भी उनकी कब्रों पर लिखे हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनके नाम, वो एकदम इलिटरेट म्यूज थी। अनलेटर्ड का मतलब यहाँ पे इलिटरेट है, तो किसी इलिटरेट म्यूज ने इनकी कब्रों पर नाम और डेट लिखी है, जिस जगह पर इनकी तारीफ की जानी चाहिए थी एलेजी लिखी जानी चाहिए थी, और उस म्यूज ने बाइबल के कुछ हॉली टेक्स्ट को ऐड किया है। यहाँ दोस्तों स्ट्रूज का मतलब है ऐड किया है, गांव के दूसरे लोगों को ये सिखाने के लिए कि जब उनका टाइम आएगा तो उन्हें भी तैयार रहना होगा मरने के लिए, मतलब जो आया है उसको जाना है, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है इनकी कब्रों पर नाम और इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिख करके उस इलिटरेट म्यूज ने। बल्कि इसकी जगह उनकी तारीफ की जानी चाहिए थी, एलेजी लिखी जानी चाहिए थी। अब दोस्तों, स्टेंजा 22 के अंदर स्पीकर कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि अगर कोई अपनी प्लीजिंग और एंक्शियस लाइफ छोड़कर जा रहा है, यानी कि मर रहा है, रिजाइन कर रहा है, और बींग का मतलब लाइफ, बींग का मतलब यहाँ पे लाइफ है दोस्तों, और रिजाइन का मतलब मर रहा है, अपनी प्लीजिंग और एंक्शियस लाइफ को छोड़ करके जा रहा है और अपने पीछे एक वार्म एनवायरनमेंट छोड़ता हुआ जा रहा है, और पीछे मुड़कर एक बार भी उसने नहीं देखा कि उसने अपने पीछे क्या छोड़ा, तो इन विलेजर्स की तरह कोई भी अगर ऐसे दुनिया से जाएगा तो इन विलेजर्स की तरह कोई भी नहीं चाहेगा कि जब वो इस दुनिया से चला जाए तो लोग उसे भूल जाएं। क्योंकि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो डम फॉरगेटफुलनेस उसका शिकार कर लेती है। दोस्तों, प्रे का मतलब होता है यहाँ पे शिकार करना, लोग उसको भूल जाते हैं उसके जाने के बाद में। आगे वाले स्टेंजा में स्पीकर बोलते हैं कि जब कोई एक सिंपल सा, कोई साधारण गांव वाला भी मरता है तो वो एक इच्छा रखता है कि जब वो मरे उसकी आत्मा इस दुनिया से अलग हो तो कुछ लोग उसके दिल के करीब हों, कोई तो उसका पायस, पायस मतलब रिलीजियस, कोई तो उसका रिलीजियस फ्रेंड हो जो उसके मरने के बाद उसकी आंखों को बंद कर दे, इवन उसकी कब्र से, टूम से वॉइस ऑफ नेचर की आवाज़ आती है कि उसकी एशेज में, उसकी राख में, विलेजर्स की राख में पैशन जिंदा है। दोस्तों, यहाँ पे ये जो वर्ड है वांटेड फायर, इसका मतलब है पैशन, तो पैशन जिंदा है। अब दोस्तों, इस वाले स्टेंजा में पॉइट विलेजर्स की बात नहीं करेगा बल्कि खुद की बात करेगा, खुद को कह रहा है पॉइट, फॉर दी मतलब खुद को कह रहा है कि तुम जो माइंडफुल हो, माइंडफुल का मतलब अवेयर हो इस बात से कि इन विलेजर्स को एक अनऑनर डेथ मिली है, इनका किसी ने ऑनर नहीं, सम्मान नहीं किया, और पॉइट उन्हें इन लाइनों में, इस पॉइट्री की लाइनों में आर्टलेस टेल में याद कर रहा है, रिलेट कर रहा है, याद कर रहा है। आगे की लाइन में पॉइट बोलता है, क्या पता कभी कोई ऐसा चांस हो, इफ चांस का मतलब क्या पता कभी कोई ऐसा चांस हो कि फ्यूचर में कोई किंड्रेड स्पिरिट यहां से गुजरे, तुम्हारी फेट, तुम्हारी मौत के बारे में इंक्वायरी करे, क्या पता चांस है कि फ्यूचर में कभी ऐसा हो, तो हैप्पली यानी प्रोबेबली यानी कि शायद, होरी हेयर्ड यानी कि ग्रे हेयर्ड, ग्रे बालों वाला, सफेद बालों वाला कोई फार्मर उसे कहेगा, किसे कहेगा, उस इंक्वायरी करने वाले को, कि अक्सर उन्होंने, उन फार्मर्स ने पॉइट को जल्दी जल्दी सुबह के टाइम पर सूर्य उदय देखने के लिए अपलैंड लॉन की तरफ जाते हुए देखा था, और वो ग्रे हेयर्ड फार्मर क्या कहेगा उस इंक्वायरी करने वाले से कि वहां नॉर्डिंग बीच पर, उस ओल्ड फैंटास्टिक बीच ट्री के नीचे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता था, वहां बैठकर बैबलिंग ब्रूक को देखता था, मतलब पानी बहता था उसको देखता था वो। और वो वहां उस वुड के पास में भटकता था,
यहाँ पे दोस्तों हार्ड बाय का मतलब पास में, यर्न का मतलब वहाँ वुड के पास में भटकता था, रोव का मतलब होता है भटकना, वो भटकता था और कभी कभी अपनी स्क्रॉनफुल स्माइल देता था, अपने आप में ही कुछ याद करके बड़बड़ाता था। और उसका दुख और उसकी ये चिंता ये बताती थी, उसको देख करके लगता था जैसे वो कोई बड़ी चिंता में है या फिर होपलेसली किसी के साथ प्रेम में पड़ा हुआ है, किसी से प्रेम करता है। इसके बाद वो ग्रे हेयर्ड किसान बोलता है कि एक सुबह मैंने उसको मिस किया उस कस्टम्ड हिल पर और अलोंग द हीथ, मतलब फील्ड्स के पास। दोस्तों हीथ का मतलब फील्ड, और उसके फेवरेट ट्री के पास वो कहीं भी नहीं था। अगला दिन भी आ गया, अनदर केम, ना उस रिल के पास, ना उस लॉन पर और ना ही वुड के पास मैंने उसे पाया। ये वो ग्रे हेयर्ड किसान बोल रहा है कि मैंने पॉइंट को कहीं भी नहीं पाया, जहाँ जिस जिस जगह पर मैं उसे देखता था उसमें से किसी भी जगह पर वो मुझे नहीं दिखा। अब ये लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का, इसमें वो ग्रे हेयर्ड किसान बोल रहा है द नेक्स्ट डे, अगले दिन। अगले दिन हम लोगों ने देखा कि मौत पर बजने वाले गाने, डर्जिस का मतलब मौत पर बजने वाले गाने गाए जा रहे थे और स्पीकर को एक जुलूस में स्लोली स्लोली चर्च की तरफ ले जाया जा रहा था, हमने देखा था उसे। इसके बाद इन लास्ट दो लाइनों में पॉइट बोलता है कि उस ओल्ड ग्रे हेयर्ड फार्मर ने उस अननोन को, उस इंक्वायरी करने वाले को मेरी कब्र पर लाया, मेरी कब्र पर लाकर उसे जो लिखा हुआ था उसे पढ़ने के लिए बोला। और वो इशारा करते हुए बोलते हैं कि वहाँ वो एज्ड थॉर्न जो है, मतलब कांटे का जहाँ पेड़ लगा हुआ है, उसके नीचे जो पत्थर है कब्र का, उसमें पॉइट दफन है। अब इसके बाद दोस्तों एपिटाफ है जो कि कब्र पर लिखा जाता है, पॉइट की कब्र पर लिखा हुआ है, वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही।